प्रदेश के इंदौर शहर में बीते दिनों भाजपा के उग्र प्रदर्शन के बाद करीब 94 से अधिक कार्यकर्ताओं को जिला जेल भेज दिया गया था। इसके बाद 24 घंटे बीतने पर भी किसी की जमानत नहीं हुई है। वहीं इसी दौरान प्रदेश के कई भाजपा नेता इन कार्यकर्ताओं की सुध तक नहीं ले रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक जीतू झिराती और भाजपा नगर अध्यक्ष गोपी नेमा शुक्रवार सुबह जिला जेल कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे। इस दौरान जीतू झिराती ने प्रदेश की कमलनाथ सरकार पर जमकर जुबानी वार किया। झिराती ने भाजपा के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि विपक्ष का काम है सरकार को जगाना और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने वही किया, लेकिन कमलनाथ सरकार लोकतंत्र की आवाज दबाने का कार्य कर रही है। सरकार बर्बरता पर उतर आई है जो कि अत्यधिक निंदनीय है। अब तो ऐसा लगने लगा है मानो प्रदेश की कमलनाथ सरकार अराजकता फैलाने का कार्य कर रही है। झिराती की माने तो युवा मोर्चा ने युवाओं की मांग उठाई थी। सरकार ने अपने वचन पत्र में 4,000 रुपए प्रति महीना बेरोजगारों को देने की बात कही थी, किंतु ऐसे कई वादे पूरे नहीं होने के बाद युवा मोर्चा ने सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला तो पुलिस प्रशासन ने सभी लगभग 94 कार्यकर्ताओं को जेल में ठूस दिया। आपको बताना चाहेंगे कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के इंदौर के नगर अध्यक्ष मनस्वी पाटीदार के नेतृत्व में गुरुवार को प्रदर्शन तो दमदार रहा, लेकिन प्रदर्शन के बाद कार्यकर्ताओं को शांति भंग करने के आरोप में जेल भेजा गया है। देखिए, यहाँ पे युवा मोर्चा के हमारे कार्यकर्ताओं को कल लगभग 97 कार्यकर्ताओं को मध्य प्रदेश की कमलनाथ जी की सरकार ने जेल के अंदर ठूस दिया। और उनका अपराध सिर्फ इतना था कि उन्होंने नौजवानों की मांग को लेकर के एक प्रदर्शन करने की अनुमति चाहिए, अनुमति दी भी गई, लेकिन शासन ने, प्रशासन ने उनके साथ धोखा किया। और मुझे आप लोगों को कहते हुए कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि लगभग 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में रही। कई तरह के आंदोलन प्रदर्शन जो सीधे सीधे संविधान को भी चुनौती देते थे, असंवैधानिक तरीके के भी थे, लेकिन आज तक कभी भी किसी की बातों को, किसी की आवाज़ को कुचलने का काम भारतीय जनता पार्टी की उस सरकार ने नहीं किया था। जुम्मे 1 साल सरकार का हुआ, और ये विपक्ष का दायित्व तो बनता है, नौजवानों का कर्तव्य बनता है कि आपने वचन पत्र में ये कहा था कि मध्य प्रदेश के सारे नौजवानों को हम भत्ता देने का काम करेंगे, 4,000 रुपये महीना, 6,000 रुपये महीना जो बेरोजगार होगा। उस बात को लेकर के युवा मोर्चा, जिसका अपना एक नैतिक कर्तव्य है, उसको लेकर के कल इंदौर में प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों पर इतनी बुरी तरह से बोछार से पानियों में एक कार्यकर्ता की आँख तक चली गई, कई कार्यकर्ताओं को चोटें तक आई, और इस तरह की तैयारी करके बैठे थे। मुझे लगता है कि हो सकता है कि थोड़ा बहुत आंदोलन अगर कार्यकर्ता ज़्यादा करते तो उनके ऊपर गोलियाँ भी चल सकती थी। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि लोकतंत्र में आवाज़ दबाने का काम मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकार कर रही है। अपने सारे के सारे जितने झूठे वचन उन्होंने किए थे, चाहे वो आम जन की बात हो, चाहे नौजवान की बात हो, चाहे किसान की बात हो, इन बातों को लेकर अगर सड़क पर उतरेंगे, हम प्रदर्शन ही कर सकते हैं। भाई, आप लोगों ने भी यही किया था। अगर कहीं ना कहीं सरकार ने मांग नहीं मानी है तो उसके लिए कहाँ जाएगा व्यक्ति? और ये एक नैतिक तौर पर एक संवैधानिक तरीका होता है, लेकिन जिस तरह की बर्बरता कल पूरे मध्य प्रदेश में देखने को मिली, चाहे वो भोपाल हो, चाहे इंदौर हो, चाहे अन्यत्र किसी भी शहर में हमने जो देखा है, निश्चित रूप से घोर निंदनीय है। और इस तरह से अगर कमलनाथ जी करेंगे तो मुझे लगता है कि उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश में अराजकता फैलाने का शायद जिम्मा ले रखा होगा। मैं पूरी तरह से घोर निंदा करता हूँ। युवा मोर्चा का पूर्व प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं सभी मेरे कार्यकर्ता मित्रों को, भाइयों को, जिनके साथ ये अत्याचार हुआ, इसकी घोर निंदा करता हूं। क्या स्टैंड रहेगा? क्या अनशन पर बैठने वाले हैं? किस तरह की कुछ आने वाले दिनों में अगर मांगे पूरी नहीं होती है? मैं निश्चित रूप से इसके लिए तो बैठ करके कोई आयोजन कार्यक्रम करना पड़ेगा। सामान्य बात है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उसके अंदर एक आंदोलन करके सरकार तक चेतावनी पहुँचाने का कार्य होता है। और नौजवानों का ये पहला कार्यक्रम था, युवा मोर्चा यूथ के लिए, जिनके लिए आपने वचन दिए थे, जिनके लिए आपने प्रॉमिस किया था। सारे के सारे झूठे वचन आपने किए, झूठे वादे आपने किए, उसको लेकर अगर नौजवान सड़क पर है तो क्या इस तरह की बर्बरता आप करेंगे? जेल में ठूस दिया जाएगा, एक अपराधी की तरह उन कार्यकर्ताओं के साथ व्यवहार हो रहा है, बुरी तरह से उनको जख्मी किया गया है, एक कार्यकर्ता की आँख
तक चली गई है, कई सारे कार्यकर्ता घायल हुए हैं। निश्चित रूप से इस तरह की अगर अराजकता फैलाने का काम इस सरकार ने किया तो हम बैठ करके इसमें उग्र आंदोलन करेंगे और इसमें पूरे प्रदेश की जन जन तक जाकर के जन जागरण करने का काम करेंगे। एक एक नौजवान को निकाल करके लेकर के आएंगे और इस कृत्य का पूरी तरह से हम जो है घोर निंदा इसकी कर रहे हैं और इसके लिए जो भी करना पड़े हम आगे जाके करेंगे। नहीं दिया है ना, देखिए क्या हुआ, प्रशासन अपनी हठधर्मिता पे आया है। कोई बहुत खास बात नहीं थी, चाहते तो यहाँ पर पहले भी इस तरह की बात होती हुई कि वहाँ पर मामला शांत हो गया, जेल में लाने के बाद उनको जमानत दे करके छोड़ सकते थे, लेकिन अभी तक कोई ठोल ठिकाना नहीं, कोई अधिकारी ठीक से बात करने के लिए तैयार नहीं है, कोई मतलब ये पूरा का पूरा षड्यंत्र ऊपर से इशारे पर चल रहा है और निश्चित तौर पर ये पूरा प्रदेश देख रहा है, एक आमजन देख रहा है, नौजवान देख रहा है और ये सीधी तरह से अलोकतांत्रिक है और लोकतंत्र का गला घोटने का ये सीधा का सीधा इनका रवैया है। देखिए अब अभी तो मुझे जहाँ तक जानकारी कि 151 की धारा है, इसके बाद अभी क्या होता है क्या नहीं, सब वरिष्ठ लोग बैठ करके हम सब अभी बात करेंगे। अभी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी भी आज इंदौर पहुँचने वाले हैं तो उनके साथ बैठ करके सब लोग हम पार्टी के कार्यकर्ता बैठ करके चर्चा करने वाले हैं।